हरियाली में उड़ते आ चल सा यौवन। छोटा सा है जीवन मेरा, उतनी बड़ी है कहानी। हो बिटिया पहाड़ की हो। तुमसे खूबसूरत लड़की देखा ही नहीं थी। डरो मत। ओहो, तुम इतना क्यों डर रही हो यार? ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैं कोई बाघ हूँ? मैं कोई भालू हूँ? तुम्हें खा जाऊं? प्राण प्यारी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। कुछ नहीं करूंगा। ठीक, दारू पी ले। नहीं पी रहा है मुझे। अरे जाने मन, दारू पी ले। नहीं पी रहा है मुझे। बहुत मजा आएगा। शोभा नहीं देता है, हैं? नहीं। एक दो? मुझे माफ कर दो कमला। आज तो तुझे मारना ही होगा। Thank you.
ये तुम क्या कर रही? छोड़ो मुझे, मैं मर जाना चाहूंगी, जाओ यहां से। पागल मत बनो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, छोड़ो मुझे, मैं अपवित्र हो गई हूँ, मैं आपके लायक नहीं रही। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे मरने दीजिए, आप चले जाइए यहाँ से, मैं मरना चाहती हूँ। तुम करने क्या चाह रही हो? छोड़ दो मुझे, मैं मरना चाहूंगी, छोड़ दो। तुम कहना क्या चाहती हो? आप सुनना चाहते हो ना, तो सुनिए। तुमने जो भी किया ठीक किया, इसे मरने से क्या होगा? गलती कोई और करे और सजा तुम भोगोगी। तुम नारियों का यही तो कमजोरी है, तुम्हें जीना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे मन के मंदिर में तुम ही मेरी देवी हो। डरो मत, मैं गांव के सभी लोगों और कानून का मदद लूंगा। कानून हमारी जरूर मदद करेगा। चलो। साने, ओ साने, कहाँ मर गए यार घर के सब के सब? जी मालिक। मालकिन आई क्या? मालकिन तो नहीं है। तो कब आएगी? शायद आज आएगी। चल तुम चाय बनेगा। अरे तुम लोग आ गए? जी पापा। अरे बेटा देखो कितनी धूप विपत्ति हो गई है। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बहुत बढ़िया। और आप कैसे हो? बस ठीक हूँ। देख बेटा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना, अब तुम आ गई हो, ये अपना घर घर जैसा बनेगा। थैंक यू पापा। क्या हुआ पापा?
क्या हुआ आपको? कुछ नहीं यार, ये थोड़ा चोट लगा हुआ है। कल शिकार पे गए थे, पाँव फिसल गया, थोड़ा चोट लगा। जब भी मैं इस घर में नहीं होती ना कुछ होता ही रहता है। छोड़ो यार, चलो तुम लोग थक के आए हो तो आराम करते। चलो चलो चलो, चलो ना मम्मी। चलो चलो, चलो। क्या बोल रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं है बेटी। तुम्हें क्या मालूम, इसने सिर्फ मेरे बेटे से नहीं गांव की सारी बेटियों की शादी से पहले अपने हवस का शिकार बना लिया। बेशरम, इसको तो फांसी की सजा होना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप पापा? ये लोग जो कह रहे हैं क्या वो सच है? तू अंदर जा। पापा बताए ना, वो झूठे। बेटी तू अंदर जा ना। बताए ना पहले। अंदर जाना। रुक बेटी, ये क्या बोलेंगे? औरत का दर्द क्या होता है इनको क्या पता? इनको तो गांव का लड़कियों के साथ रात गुजरने में ही मजा आता है। इसलिए तो तुम्हें पढ़ाई के बहाने बाहर भेजा इन्होंने। मैं तो सिर्फ नाम की ही बत्ती हूँ। शर्म आती है मुझे आपको अपना पिता कहने में, अपना आदर्श समझते कहने में। अगर इस लड़की की जगह मैं होती तो कैसा लगता आपको? देखो देखो, इसका इतना जवान बेटी फिर भी इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। इसको ये शर्म बेटी, तू कैसी है तू बेटी? कहाँ थी तू बेटी? कैसी है तू? कहाँ थी बेटी तू? ये तो आत्महत्या करने जा रही थी, भगवान की कृपा से बच गई। ज्यादा नफरत, समझ लेना। आज से, अभी से आपकी बेटी मर गई। भैया, तुमने ठीक कहा। मैं एक माँ होके भी इसका पहले ही विरोध क्यों नहीं कर पाई?
अगर मैं इसका विरोध पहले ही कर पाती तो ये कमला और बाकी लड़कियों को यही दिन देखना नहीं। मैं क्या करूं? नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस राक्षस को सजा जरूर मिलेगा। बेटी, तुम्हें जीने का पूरा अधिकार है बेटी। हाँ बेटी, तुम्हें इज्जत से जीने का पूरा अधिकार है, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ कमला, माँ और पिताजी ठीक कह रहे हैं। तुम पहले जितने पवित्र थे, आज भी मेरे लिए उतने ही पवित्र हो। मैं तो तुम्हें पहले ही अपना चुका हूँ। मुझे इनके साय से भी नफरत है। मुझे कहीं दूर ले चलो माँ, कहीं दूर। तुम भी चलो मेरे साथ माँ। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। मुझे भी इस नरक में नहीं रहना। बेटी रुक जा बेटी, मैं कमला के हाथ से मर जाता ना तो बहुत अच्छा। बेटी, मैं दुनिया की नजर से गिर सकता हूँ, अपनी नजर से गिर सकता हूँ बेटी, लेकिन तुम्हारी नजर से गिर के मैं जिंदा नहीं रह सकता बेटी। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। मैया की माँ, मुझे माफ। मुझे पता है मैंने तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी की दर्शा नहीं दिया है। मुझे एक बार प्रायश्चित करने का मौका तो दो दयाल बाबू। हमने जितने भी गांव वाले के कागजात गिरवी पर रखा हुआ सारे लेके आओ। गांव वालों, मुझे माफ कर दो गांव वालों। आज मेरी बेटी ने मेरी आंख खुलवा दी गांव वालों। मुझे एक बार प्रायश्चित करने का मौका दो। गांव वाले की जितने भी कागजात हमारे पास गिरवी पड़ी हुई है, अपने धोखे से रखा हुआ है, सारे कागजात लोगों को लौटा दो। ये कागजात में मैंने जितनी भी आप लोगों की दस्तखत लिए, जितनी भी फर्जी कागजात मैंने आपके यहां से जमा किया, आज सारे कागजात मैं जलवा दूंगा, जला दूंगा कमल। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आज से मैं आप लोग को ऋण मुक्त कर रहा। तो आप ही बताइए, मैं कमला को कैसे भूल सकता हूं? उसकी हिम्मत और बहादुरी के कारण से इस गांव से शोषण, अन्याय, अत्याचार का समाप्त हुआ। लेकिन कमला जी की मौत कैसे हुई थी? जगत सिंह, उस पापी दरिंदे जगत सिंह, मेरी कोमल सी कमला को जो मानसिक और शारीरिक चोट दिया, वो चोट मेरी कमला को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन कमला ने उसकी दर्द को मुझे कभी एहसास होने नहीं दिया, कभी एहसास होने नहीं दिया। आपका अति सुनकर मुझे बहुत दुख लगा असर जी। एक दिन मैं स्कूल से घर आया, कमला सो रही थी। फिर मुझे क्या मालूम था कमला मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुकी थी। तब मुझे मालूम हुआ कमला मुझे बार बार क्यों कहती थी, मैं रहूं या ना रहूं
आप इसी गांव में रहकर इस गांव वाले को शिक्षित कीजिए। मास्टर जी, आपका कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख लगा, लेकिन अब ये कहानी आप और गांव तक सीमित नहीं रहेगा। मैं इस कहानी को देश भर पहुंचाऊंगा। आपके अभियान को बैठ जाने नहीं दूंगा। और मास्टर जी, इस कहानी का शीर्षक कमला ही होगा। कमला। हिमालय का है उजलापन, झरनों सा है बचपन, जीवन मेरा उतनी बड़ी है कहानी। हो बिटिया पहाड़ की हो, होठों पे मुस्कान है, आंसू में भीगी कथा है, खट्टी मीठी हंसी खुशियों में थोड़ी सी रोती व्यथा है। इस माटी में जन्मी हूँ मैं, जीवन मेरा है समर्पण।